नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दो दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। इस वक्त प्रधानमंत्री आरोग्य वन की सैर कर रहे हैं और ये इसका एरियल व्यू इस वक्त आप देख रहे हैं। आरोग्य वन में अलग अलग थीम पर पार्क बनाए गए हैं, मेडिसिनल पार्क, अरोमा गार्डन, फाउंटेन गार्डन, एक एक जगह जाकर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। पीएम ने यहां पर फोटोज भी खिंचवाई हैं। आपको बता दें, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोग्य वन समेत 17 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साथ ही 400 घरों वाले आदर्श गांव और 4 नए प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास होगा। आरोग्य वन के बाद मोदी एकता मॉल, चिल्ड्रन पार्क और जंगल सफारी का भी उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर गुजरात में हैं। कल प्रधानमंत्री सरदार पटेल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नमन भी करेंगे। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ केवड़िया के अंदर की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री को पूरी तरह से ब्रीफिंग दी जा रही है। खासियत बताई जा रही है कि आखिर यहां पर अलग अलग पार्क्स जो बनाए गए हैं उनकी खासियत है क्या। निर्णय कपूर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। निर्णय, काफी वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन वाकई ये बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है और एक अच्छा अनुभव होगा यहाँ पर आने वाले लोगों का। लेकिन उससे पहले इस वक्त हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री को भी बताया जा रहा है जिस हिस्से में वो जा रहे हैं वहां की खासियत उन्हें बताई जा रही है। देखिए सुरभि, एक चीज यहाँ बहुत क्लैरिटी के साथ समझनी होगी कि ये आरोग्य वन जो है ये सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स का कोई एक केंद्र नहीं है, मेडिसिनल प्लांट्स का कोई एक सेंटर नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। यहाँ आकर के जिस तरह से इसको सेट किया गया है, जिस तरह से इसकी सेटिंग्स डिज़ाइन की गई है, यहाँ आकर के आदमी जिस तरह से कुदरत के करीब खुद को पाता है, उसे वो पीस ऑफ माइंड भी मिलती है जिसकी तलाश में हम इधर उधर भटक रहे हैं आज के इस मैकेनिक्स वाले युग में। और प्रधानमंत्री मोदी को जो यहाँ पे ब्रीफिंग दी जा रही है, मैं आपको बता दूँ कि वो ब्रीफिंग उन्हें एक्चुअली यहाँ इस आरोग्य वन में जो चीज़ें लगाई गई हैं उसके बारे में नहीं समझाया जा रहा, बल्कि उन्हें ये बताया जा रहा होगा इस वक्त जो मेरी जानकारी के हिसाब से कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से बताया था क्या चीज़ें उस तरह से एडजस्ट हुई हैं यहाँ पे, क्या उस तरह से उन्हें ग्रूम किया गया है, क्या उस तरह से उन्हें डेवलप किया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत ही माइन्यूटली वो एक एक चीज को यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये आरोग्य वन जो है ये उनके दिल के बहुत करीब है ये प्रोजेक्ट। ये बताया गया था हमें कि इसकी प्लानिंग से लेकर के, इसके कॉन्सेप्ट से लेकर के, इनफैक्ट इसकी प्लानिंग और इसका जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है, एक एक स्टेज की ब्रीफिंग उनको टाइमली दी जाती रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा आरोग्य वन के रूप में एक ऐसा सेंटर क्रिएट होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति यहाँ आए तो वो खुद को एक तरह से कुदरत के अंदर तनलीन पाए, वो पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए नेचर के अंदर। और जब आप यहाँ आएंगे तो इसके शुरुआत से ही, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे, बाहर जिस तरह से सूर्य नमस्कार की मुद्राएं बनाई गई हैं, वहीं से आपको इसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो देखना शुरू हो जाएगा। इसका गेट जिस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, वो आईज के फॉर्म, वो एक तरह से फेस का एक फॉर्म है। और उससे जब आप एंटर होंगे और जिस तरह से गार्डन्स वगैरह इसके अलग अलग डिज़ाइन किए हुए हैं, अलग अलग थीम पे जो बेस्ड हैं, वहाँ आप देखिए कि मनुष्य के जो तमाम जो सेंसेस हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया है अंदर। और इसके साथ साथ योग और प्राणायाम के लिए एक अलग सेंटर बनाया हुआ है, आरोग्य कुटीर के फॉर्म में एक वेलनेस सेंटर बनाया हुआ है। और सबसे खास बात, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है, औषध मानव का एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पहाड़ियों पे। और ये 80x40 मीटर का स्ट्रक्चर है, एक मनुष्य के आकार का, जिसमें वो तमाम औषधियाँ लगाई हुई हैं अलग अलग पार्ट्स पे, अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे, जिन बॉडी पार्ट्स के साथ उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, उनका प्रभाव उस बॉडी पार्ट पे होता है। जैसे कि सिर के भाग में ब्राह्मी और जल ब्राह्मी जैसी औषधियाँ लगाई हुई हैं, हृदय का जो भाग है उसमें गूगल लगाया हुआ है, इसके अलावा
पांव का जो पोर्शन है उसमें मेहंदी और निर्गुंडी जैसी औषधियां लगाई हुई है। तो जो अलग अलग भाग हैं बॉडी के उसमें अलग अलग प्रकार की औषधियां लगाई हुई है। और वो जब आप इसके टॉप पे जाते हैं जिस जहाँ पे एक इनफैक्ट सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ से आप फोटोग्राफ भी ले सकते हैं अपने उसके साथ, वहाँ जाकर के आप इस चीज इस पूरे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक कौतूहल पैदा होता है जब वो ये सारी चीज़ें इतना करीब से देखते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों की चर्चा कर सकते हैं लेकिन जब हम उसे खुद देखते हैं और खुद जब देखते हैं एक साम्यता है हमारे और नेचर के बीच में, उसको जब उसका जब हम एहसास कर पाते हैं जाहिर सी बात है हमारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। और एक तरह से यहाँ आने वाला हर आदमी भी यही समझेगा कि उसका आना सही मायनों में सार्थक हुआ है। एक तरह से पूरा एक कंप्लीट पैकेज है यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ एक कैफेटेरिया भी बना हुआ है अंदर जिसमें आपको बकायदा उस प्रकार का फूड आइटम सर्व किए जाएंगे। आपकी इन तमाम डिटेल्स को सुन के मेरे जहन में बस यही बात आ रही है कि प्रधानमंत्री के संबोधन को भी जब जब हम सुनते हैं तब हर बार वो नेचर से कनेक्ट होने की बात करते हैं। और ये जगह जो आरोग्य वन हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से हम नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। इस वक्त आप ये बताएंगे कि यहाँ के बाद आगे प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम होने वाला है, आरोग्य वन से निकलने के बाद वो कहाँ रुक करेंगे? देखिए आरोग्य वन से सीधा वो पास में ही बना हुआ है एकता मॉल, एकता मॉल में वो जाएंगे। एकता मॉल एक्चुअली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है सुरभि ये बाकी जो आजकल जो मॉडर्न मॉल्स बन रहे हैं उससे काफ़ी अलग है। इस यहाँ आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस में वही मॉडर्न टच नज़र आएगा। उसका जो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर पर बेस्ड है लेकिन जो इसके ईथोस हैं वो हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जो विविधता में एकता का जो मैसेज हमारे देश की संस्कृति देती है उसका सीधा सीधा आपको एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल में जैसे कि एकता मॉल नाम दिया गया है उसमें आकर के मिलेगा। एकता मॉल नाम ही ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं वो हमारी जो विविध संस्कृतियाँ हैं उस उनकी जो वैरायटी है उनकी जो विविधता है उसमें किस तरह से एक यूनिफाइड भारत का जो संदेश है वो निकलता है। और इसीलिए यहाँ पे यानी हर अलग अलग झलक यहाँ जरूर देखने को मिलेगी। निर्णय रोकना चाहूंगी कुछ देर के लिए, आपने जो जानकारी दी उसी का अपडेट अपने दर्शकों को भी यहाँ दे देते हैं कि अब आरोग्य वन के बाद प्रधानमंत्री मोदी एकता मॉल का रुख कर रहे हैं, वहां जाएंगे और उस मॉल में देश के हर स्टेट की खास चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने पूरे मॉल को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब डिज़ाइन हो रहा था और यहाँ एक टूरिज्म डेस्टिनेशन जब बनाने की बात चल रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि हर चीज़ में एकता जो है भारत की विविधता में वो प्रदर्शित होनी चाहिए और उससे शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है वो भी अधूरा नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए बना ये एकता मॉल जहाँ पे पूरे देश की जो कलाकृतियाँ हैं जो संस्कृति है उसका निदर्शन है। हैंडीक्राफ्ट जो है पूरे देश का वो यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। सामने आप देख सकते हैं जैसे एंटर होते हैं गरवी गुर्जरी जो ये गुजरात हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का स्टोर है, यहाँ पे आपको गुजरात की बांधनी और कई कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। कावेरी जो है कर्नाटका स्टेट हैंडीक्राफ्ट का एम्पोरियम है। ये जो सामने आप देख रहे हैं पूर्वाश्री ये नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है स्टोर और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैम्बू आर्ट जो वहाँ की सबसे प्रसिद्ध है उसके प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले पे हैं। इसके अलावा वहाँ के जो एथनिक वेयर हैं वो डिस्प्ले पे यहाँ रखे हुए हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ आप देखेंगे ये केराली केरला का है ये हैंडीक्राफ्ट स्टोर। यहाँ पे आपको जो आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है इस पूरे मॉल को डिज़ाइन करते वक्त और जगह जगह उसका निदर्शन आपको देखने को मिलेगा। केरला से आप आगे बढ़ें तमिलनाडु पे आप आइए और यहाँ के जो ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको उन प्रदेशों में जाना पड़ता था खरीदने के लिए वो एक ही जगह पे एक ही स्टोर में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी।